हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेस्टेक्लिन 250 mg कैप्सूल के बारे में, जो कि एबट कंपनी का बहुत फेमस ब्रांड है और इसका MRP भी बहुत कम होता है। 12 रुपये 40 पैसे में 10 कैप्सूल मिल जाते हैं और इसका कंटेंट्स है टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल 250 mg। दोस्तों, टेट्रासाइक्लिन या रेस्टेक्लिन 250 का इस्तेमाल बैक्टीरिया के संक्रमण को रोककर उन्हें ख़त्म करना होता है। इसका इस्तेमाल निमोनिया, मुहासे, टॉन्सिल, गले में दर्द, यूरिन में इन्फेक्शन, स्त्री या पुरुष के गुप्त अंगों में इन्फेक्शन जैसे कि जलन होना, अंदरूनी जगह में खुजली होना या लाल रंग के जख्म जैसे होना, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सर्दी, खांसी, बुखार, जख्म सुखाने, सूजन और हर तरह के बैक्टीरिया को ख़त्म करने में भी किया जाता है। इसकी डोज़ की बात करें तो इसे बड़ों के लिए 3 टाइम यूज़ करना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम, और 8-10 साल के बच्चों को सुबह शाम एक एक कैप्सूल देना चाहिए अगर ऐसे प्रॉब्लम है कोई जो मैंने अभी बताया आपको। और अगर आप इसका इस्तेमाल बुखार में करते हैं तो साथ में पैरासीटामोल टेबलेट जरूर देना चाहिए, जिससे बुखार कम होगा और ये बुखार के बैक्टीरिया को मार देगा। और इसके नुकसान की बात करें, साइड इफ़ेक्ट की बात करें, तो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं शरीर पर लाल निशान आना, खुजली होना शरीर में, उल्टी, सिर दर्द, चक्कर आना, ऐसे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं इसके। तो आप इसे बिना डॉक्टर के सलाह के यूज़ ना करें, अपनी मर्ज़ी से यूज़ ना करें। ये लाल पट्टी का यही मतलब होता है कि आप इसे अपनी मर्ज़ी से यूज़ ना करें, डॉक्टर को दिखवा कर या फिर फार्मासिस्ट से पूछ कर ही इसका यूज़ करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें।